वेलकम क्लास टेंथ पॉलीनोमियल। चैप्टर टू लेक्चर टू, सेकंड लेक्चर है पॉलीनोमियल का बेसिक। फर्स्ट लेक्चर भी बेसिक था, अभी ये सेकंड लेक्चर इज आल्सो ऑन बेसिक, ये भी बेसिक पे बेस्ड है। तो पहले हम ने लास्ट टाइम पॉलीनोमियल की डिस्कशन की थी, उसमें लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल एंड डिग्री एन पॉलीनोमियल। अभी हम जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पे डिस्कशन करेंगे। जीरोस मींस होता है इसके आंसर, जो भी आप आंसर निकालते हो पॉलीनोमियल में उसे जीरो बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमने लिखी थी, लीनियर इक्वेशन हमने लिखी थी, वाई थी हमारे पास ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलीनोमियल थी। अब हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है, इसको इक्वल टू जीरो कर देना है। लीनियर पॉलीनोमियल ए एक्स प्लस बी इक्वेशन हो गई इक्वल टू जीरो। अब इसके जीरो निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, बी इधर जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाता है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड आ गया। तो ये लीनियर इक्वेशन का ओनली वन जीरो, जितनी इसकी डिग्री है, एक्स की पावर जितनी है उतने ही इसके जीरोज आएंगे, उतने ही इसके आंसर आएंगे। आपने कम या ज़्यादा नहीं निकाल देने, ज़्यादा तो नहीं निकालोगे आप, कम निकाल के छोड़ देते हो कई बार। अब है दूसरी क्वाड्रेटिक, क्यों गलत लिखते हैं हम भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती थी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इतनी पॉलीनोमियल बताई थी, अब इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वल टू जीरो। तो इसकी डिग्री टू है, इट हैज टू जीरोस, इसके दो जीरो होंगे, और इसको फाइंड करने के, जीरो निकालने के टू मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट मेथड, डिस्क्रिमिनेट डी डिस्क्रिमिनेट होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, अगर इसकी वैल्यू जीरो और इक्वल है तो ही रूट पॉसिबल हैं। तो रूट्स आर, अब रूट्स बोल दिया वही जीरो, रूट्स का मतलब जीरो, ये इसके रूट भी बोलते हैं इसे, रूट भी इसका ही नाम है, रूट अंडर रूट स्केयर रूट वो अलग चीज़ है, ये पॉलीनोमियल के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब जीरो, जीरो का मतलब आंसर, कितने इसके आंसर आएंगे। रूट्स और जीरोज आर रियल, तो इसके रूट्स जो हैं रियल हैं, रियल हैं तो फिर ही आपके लिए रियल ही पॉसिबल हैं। अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो है, पहले ग्रेटर की बात करते हैं, ग्रेटर है तो रूट्स आर रियल, रियल ग्रेटर के लिए रूट्स रियल है एंड डिफरेंट है। जैसे एक ए बी सी हो गई ना, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, सपोज इसके नाम रखे हैं, इक्वल है, अगर इक्वल टू जीरो है, अरे भाई चल जा, हाँ तो रियल तो है ही, तो इक्वल रूट आएंगे, इक्वल रूट्स, दोनों ही अल्फा अल्फा,
मीन्स दोनों बीटा बीटा दोनों सेम, अल्फा की वैल्यू कोई दो तीन चार पाँच रियल है ना, इसलिए ऐसे ही कुछ आएंगे इसकी वैल्यू, 1/2, 2/3, 1.5, 1.7, कुछ भी आप बोलो वो रियल ही है। ठीक है जी, तो ये इसके एक मेथड की बात की हमने, अभी हम इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड है इसका सप्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने पीछे वाली क्लासेस में ये काम किया भी होगा, मैं पीछे वाली क्लासेस तो क्यों, आपने किया होगा, अच्छी बात है, इन्होंने किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम करेंगे। इसको सप्लिट करना है मिडल टर्म को, तो इसके रूट्स हमने निकालने हैं, डोंट वरी। ये एक अनदर मेथड, दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड है या दूसरा मेथड है, पहले मेथड की थोड़ी ऐसे डिटेलिंग है, इस मेथड की कोई डिटेलिंग नहीं है, ये तो बस हमने सेपरेट करना है मिडल टर्म को। और एक और मेथड भी होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, अगर आपके सिलेबस में हुआ तो, मैं छोड़ देता हूँ, एक्सेप्ट, ये इससे होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, होता है मगर मेथड होता है, मैं मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा इसका जीरोज का स्ट्रक्चर था कि जीरो कैसे हम फाइंड करते हैं। दो मेथड है, लीनियर का एक ही जीरो होता है, वेरी गुड, और क्वाड्रेटिक का दो जीरो होते हैं, एक जीरो का नाम होता है अल्फा, दूसरे का होता है बीटा, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो, सेम हैं तो दोनों ही सेम रहेंगे। एक अदर मेथड है सेपरेटिंग द मिडल टर्म, ये भी करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, ये भी देखेंगे अगर आएगा तो। अभी हम आगे चलते हैं, लेट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स, तो अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, तो अगर दो रूट हैं तो उसका एक छोटा सा और फॉर्मूला है, अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसके आंसर निकाले हमने, एक अल्फा आया एंड दूसरा बीटा आया, दो ऐसे रूट आए, तो हम बोलते हैं एस, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट, द जीरोज और रूट। ठीक है जी, सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ही ऐड करना है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए। बी कहाँ से आया, ये वाला बी है, बी का मतलब है कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स ये यहाँ से आया, और ए कहाँ से आया, ए है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये यहाँ से आया। आगे है पी, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और रूट, इसको मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मैं अल्फा बीटा लिख देता हूँ, दैट इज द सी अपॉन ए। अब सी कहाँ से आया, सी कांस्टेंट है यहाँ पे, ये देखिए, और ए तो वो पहले वाला ही है, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। ठीक है जी, तो ये सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होते क्यूबिक के भी हैं, वो जब आएंगे तब बताएंगे, ऐसे आपको बता दिया तो आप सब कुछ पढ़ना ही छोड़ दोगे। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप उसे देखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, दो रूट्स बने अल्फा बीटा, मैं मान लिया कि दोनों अलग हैं, अगर सेम होंगे तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा, डोंट टू वरी, आपने इस बात की कोई परेशानी नहीं लेनी है, सेम होंगे तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएंगे, अल्फा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इस बात के लिए आपको कोई इतनी परेशानी नहीं आएगी, ये एक जनरल फॉर्मूलेज हैं, आगे आप इसको करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे।
आगे है इक्वेशन कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स आर गिवन, अगर आपको रूट्स दिए हों तो आपको बोलो कि इक्वेशन बनानी है ये वाली, ठीक है जी। उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर ही लिखोगे, वाई में बनानी है तो वाई लिख देना, जेड में बनानी है तो जेड लिख देना, दिस इज अ वेरिएबल। एस क्या है, यहाँ से आया एस, ये वाला एस यहाँ से आ गया, ठीक है जी। ये यहाँ से आता है एस, ये देखो। और पी कहाँ से आया, ये आया पी, यहाँ से आया पी, पी यार यहाँ से आओ, ऐसे आओ, यहाँ से पी आया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है जी। सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अगर अल्फा बीटा आपको गिवन दिए हो, आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके, तो वो हमने दोनों को ऐड कर देना है और यहाँ पे लिख देना है, दोनों को प्रोडक्ट कर देना है यहाँ पे लिख देना है, एक नंबर का दो नंबर का भी इधर आ जाता है। तो 1 और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं ग्राफ, ये हो गया हमारा ग्राफ। तो इसको हम बोलेंगे, ये वाली लाइन जो है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और इस लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो इनके नेम क्या है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है जी। ग्राफ को आपने एनालाइज करना है, बताना है कि ये ग्राफ कैसा है। इसमें इक्वेशंस हैं, एक ही इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये ग्राफ अपवर्ड है, ऊपर की तरफ होगा, ये जो कर्व बनाऊंगा मैं, अगर ऊपर की तरफ होगी तो ए की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगी तो ए की वैल्यू नेगेटिव। दैट्स वेरी सिंपल, बनाता हूँ पहले, आप देखिए। सपोज मैंने ये बनाया और ये बन गया, तो ये देखिए आप, ये दो पॉइंट्स पे, चलो कोई बात नहीं जाने दो इसे भी, ठीक है जी। तो ये वाला हमारे पास ग्राफ है, तो ये देखिए ये दो पॉइंट्स पे, यहाँ और यहाँ, हम हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो हम एक्स की बात करेंगे, वाई की बात नहीं करेंगे। दो पॉइंट्स पे कट करता है तो इसके दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, कैसी, एक पॉजिटिव की और दूसरी नेगेटिव की, अगर ये दोनों सेम हैं तो। इसमें ये 1 2 3 अप्रॉक्सीमेट, -1 -2 -3 -4, दोनों की, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये -4 है, ये 3.2 है, समथिंग है, ठीक है जी, 3 पॉइंट समथिंग है। तो श्योर हो गया कि ये अगर अपवर्ड है, अपवर्ड है, ऐसा ग्राफ जो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, ये श्योर हो गया, ये पक्की बात हो गई। अगर ये ग्राफ को, एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है तो इसके दो आंसर आएंगे, अल्फा एंड बीटा, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें उस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको, उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे बना देता ऐसे,
तो इसके दो पॉइंट्स होते, एक ये और दूसरा ये, तो ये भी अपवर्ड है, ए ग्रेटर देन जीरो है, दो डिफरेंट वैल्यूज है ए एंड बी, ये इस पे दोनों ही पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे है तो पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड है, अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड्स है, ये नीचे को है, पहले मैंने ऊपर को बनाया था, अब मैं नीचे को बनाऊंगा ऐसे। ओहो, ये तो कुछ और बन गया, ऐसा ऐसे मत करो यार। हाँ, ये ऊपर को बना दिया, इसकी पोजीशन नीचे को है, ये ग्राफ डाउनवर्ड ग्राफ है। अगर डाउनवर्ड ग्राफ है तो ए जो है वो लेस देन जीरो आएगा, मींस नेगेटिव आएगा, ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसके दो डिफरेंट आंसर होंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है जी, वो तो सेम ही है, अल्फा बीटा दो डिफरेंट आंसर होंगे, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, मींस यहाँ पे कोई भी कॉफिशेंट होगा, ऐसे लिखा हुआ 3x² + 2x + 3, ये दोनों प्लस हैं या माइनस है मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, इस बात का श्योर हो गया है कि ये माइनस ही होगा, आंसर कुछ भी आए, ये कैसी भी हो इक्वेशन, ए की वैल्यू नेगेटिव ही होगी इसमें। ठीक है जी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये ग्राफ ओनली एक पॉइंट पे ही कट करे, अगर ऊपर को है ऐसे और एक पॉइंट पे कट कर रहा है ऐसे, एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है, तो अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका आंसर ए तो ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि ऊपर को है इसका, तो अल्फा एंड दूसरा भी अल्फा ही होगा। ठीक है जी, दोनों ही अल्फा ही होंगे, दोनों का आंसर जो है अल्फा अल्फा ही आएगा क्योंकि आने तो दो ही है, दोनों सेम होंगे। अगर यही ग्राफ इधर बन जाए इस तरफ ऐसे, तो इसके आंसर जो हैं ये माइनस अल्फा, ऐसा वैसे यार मत किया करो, क्यों आप मुझे परेशान करते हो, इनो। ठीक है जी, इसके दोनों आंसर जो हैं वो माइनस अल्फा एंड माइनस अल्फा ही आएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव की ओर चले गए, अब ये नेगेटिव है। ठीक है जी, अगर ये ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाए ऐसे, ठीक है जी, तो इसके दोनों आंसर नेगेटिव ही आएंगे मगर ए की वैल्यू माइनस आएगी, ए इज लेस देन जीरो होगी, ए की वैल्यू नेगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, ए की वैल्यू माइनस की होगी और आंसर दोनों ही माइनस अल्फा ही आएंगे। अगर इस तरफ हो जाए तो वो सेम ही प्रोसीजर है, ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये जो है, भाई मेरे भाई मान मेरी बात, मान गया। ठीक है जी, ये ऐसे हैं तो इसके आंसर जो हैं अल्फा अल्फा आएंगे और ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये बात, ये 4 1 2 3 4, पहले टाइप में दो पॉइंट्स पे कट करता था, अब मैंने एक पॉइंट पे कट किया। ठीक है जी, ये सेकंड टाइप थी, अब थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, अब थर्ड टाइप ऐसी है कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये बीच में ही लटकी रह जाएगी ऐसे, एक्स को नहीं कट करेगी, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अरे भाई ऐसे, ऐसे कई बार ये ऐसे आएगी, ऐसे,
वाई को तो कट कर, वाई का हमें कुछ लेना देना नहीं है, वाई से हम नहीं जानते वाई क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ काम एक्स के ऊपर है, ठीक है जी। तो ऐसे अगर इधर आ जाए, ऐसी ही इक्वेशन, ऐसी ही लाइन इस तरफ आ जाए ऐसे, तो इन केसेस में, ये जो केसेस हैं चारों के चारों केसेस, इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो, इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो, इस केस में ए लेस देन जीरो, इस केस में ए लेस देन जीरो, और सब के जीरोज नहीं आएंगे, आंसर नहीं आएंगे, इट हैज नो जीरो। मैंने पहले भी बताया था कि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर आए, पीछे वाले अब चले जाइए, पीछे आप समझ रहे होंगे, लिखा होगा मेरे ख्याल से कॉपी से, आप इसके पीछे देखिए जो रूट्स को मैंने बात की थी, अगर ए बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है तो ही रूट्स पॉसिबल हैं, तो ही रूट्स आएंगे। अगर ये लेस देन जीरो होता है तो इसके रूट्स जो है वो नहीं आएंगे। तो इसी केस में ये ग्राफिकल कंडीशन है, तो इसमें भी इसके रूट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, आएंगे मगर वो कैसे आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कभी और इसकी डिस्कशन होगी, अभी तक नहीं आएंगे। आप आपके लिए ये है कि इसके रूट्स पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है जी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्स, सॉरी ये आपकी एक्स एक्सिस, दूसरे वाली आपकी वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस पे अब क्यूब वाला ग्राफ कैसे बनेगा, कहीं से भी शुरू होगा ऐसे ऐसे, और ये ओरिजिन में से पास करके ऐसे चला जाएगा। तो इन केसेस में ऐसे ग्राफ को, अगर आप ऐसा ग्राफ देखते हो तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आप ऐसा ग्राफ देखते हो, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखते हो, ऐसी मान जा यार, स्ट्रेट लाइन मान जा मेरी बात, मान ही रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देखते हो ऐसे एक्स एक्सिस के तरफ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन का क्या है, ये हर पॉइंट पे इस एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करती है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, ये यहाँ पे किया, ठीक है जी। दूसरा वाई पे करेगी, वाई पे हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स को एक पॉइंट पे, अब ये वाई को कर रही है तो इस बात के लिए हमारे पास, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ये एक्स को कर रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ओनली वाई को कर रही है, ये इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, इसके लिए एक्स डिफाइन नहीं होगा। जो भी लाइन एक्स को, एक्स एक्सिस को कट करेगी, वही लाइन का ग्राफ जो है बन पाएगा, वही लाइन की वैल्यू आएगी, पॉसिबल है। लीनियर में एक वैल्यू होती है, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और क्वाड्रेटिक में दो पॉइंट पे कट करेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन पॉइंट पे कट करेगा। जब आप देखिए, अब ये तीन पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वन ये टू एंड ये थ्री, और जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे कट करे, ऐसे भी जा सकता है, ये को एक दो तीन, ठीक है, ये भी वन टू एंड थ्री, जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिन से ही पास करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओरिजिन से जाना ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। ये बस इसकी तीन वैल्यूज आएंगी, वन टू थ्री, तीन पॉइंट्स पे कट करेगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। पॉलिनोमियल आप जानते हैं, अब इक्वेशन बनाएंगे तो उसकी वैल्यू निकल सकती है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स डी जीरो। अब मैंने इसकी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी अभी आपको नहीं सिखाई,
इसके चैप्टर आएगा इसका, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले आप लीनियर एंड क्वाड्रेटिक ही सीखिए, बस क्यूबिक का ये ऐसा ग्राफ है, क्यूबिक का ये ग्राफ है ऐसा, ए ऐसी कर्व बनेगी क्यूब की, ठीक है जी। इस कर्व से ये पहचाना जाएगा कि ये क्यूबिक है, ठीक है जी, ये क्यूबिक की कर्व है। अगर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, आपको दोनों तीनों कर्व बना के दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे, समझदार हो ना, समझ जाओगे। ये देखिए भाई तो रह जा, ठीक है जी। अब लीनियर बनाता हूँ, सबसे पहले लीनियर, ये वाली होगी लीनियर, दिस इज नोन एज ए लीनियर, इसको लीनियर बोलेंगे। ये ओनली वन पॉइंट पे कट करेगी, ओनली वन पॉइंट पे, एक्स को सिर्फ वन पॉइंट पे कट करेगी। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ये बन गई क्वाड्रेटिक, ये देखिए ये दो पॉइंट पे कट करेगी, ये टू पॉइंट्स पे कट करेगी, दिस इज द वन एंड दिस इज द टू, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, तो इसका अल्फा ही था, इसका एक ही आंसर आएगा। अब मैं बनाऊंगा क्यूबिक, ठीक है जी, क्यूबिक के लिए ये वाला कलर ले लिया, ठीक है जी, ये क्यूबिक होगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि यही होगी, मैं ओरिजिन से पास करे या ना करे इस बात का कोई दो राय नहीं है, ओरिजिन से पास करनी आसान रहती है हमें इसकी वैल्यू। ये अल्फा, ये बीटा और तीसरे का नाम है गामा, ठीक है जी। तो ये तीन इसके पॉइंट होते हैं, ऐसे भी बन सकती है इसकी, देखो एक दो एंड तीन, ठीक है जी। बस इसको पास करना है, एक्स एक्सिस को तीन बार कट करेगी, ये एक्स एक्सिस है, इसको तीन बार कट करेगी, तो क्यूबिक दो बार कट कर गया, क्वाड्रेटिक एक बार कट किया, तो लीनियर। वेरी सिंपल, सिंपल सा फंडा है इसका, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं, वो लेक्चर होगा इसी के बेस्ड में, और उसके अब सम करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल भी करेंगे, अब बनाएंगे भी कैसे बनेंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बेटे।